हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल व मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा की जानिब से इस्लामिक कॉम्पिटिशन का आगाज किया गया है। डॉक्टर असगर चुगल की सदारत में यह छठवां साल है जिसमें काफी बड़े पैमाने पर कंपटीशन रखे जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हुस्न खिरात, नात खानी, हिफ्ज़ हदीस, तहरीरी, तकरीरी, कुरान क्विज और सीरत क्विज कंपटीशन होते आ रहे हैं और जीतने वाले तुलबा तालिबात को इनामात तकसीम किए जाते हैं। इस साल कंपटीशन का आगाज कल यानी 16 नवंबर को हुआ जिसमें 600 के करीब तुलबा तालिबात ने हिस्सा लेकर हुस्न खिरात कंपटीशन का हिस्सा बने हैं। इस तरह के कंपटीशन का मकसद मौजूदा मुल्क के हालात में दीनी मालूमात को आम करना और दुश्मनान इस्लाम को कुरान और हदीस की रोशनी में मुंहतोड़ जवाब देना है। इस कंपटीशन से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سبسے پہلے یہ جو مقابلہ جات करा रहे हैं डॉक्टर अज़हर चुलबुल साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। आज पहला दिन था हुस्न खिरात का, कई तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया है। यकीनन जीतना हारना चलता ही रहता है, लेकिन जो बच्चे हिस्सा लिए हैं वो काबिले मुबारकबाद हैं। जितने तलबा व तालिबात ने कुरान मजीद की तिलावत की है वो तमाम को अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब मिलता ही है, वो अजर व सवाब के मुस्तहिक हैं। यकीनन अल्लाह की बारगाह में मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह सुबहानहू व तआला डॉक्टर असगर चुलबुल साहब की और उनके टीम की इस कीमती काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ी ही खुशी और मसर्रत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी शहर गुलबर्गा में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक की जानिब से आज बरोज़े हफ्ता बतारीख 16 नवंबर को आइडियल स्कूल सात गुंबज गुलबर्गा में अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न खिरात का मुकाबला मुनाकिद हुआ था। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, पीयू कॉलेज और डिग्री के कॉलेजेस से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तलबा और तालिबात ने शिरकत की और बड़ी खुशी हुई कि इस कोशिश के ज़रिए गुलबर्गा शहर के ही नहीं बल्कि ज़िला गुलबर्गा और सूबे कर्नाटक के बहुत सारे तलबा और तालिबात को कुरान पाक सही तरीक़े से पढ़ने, तजवीद के साथ पढ़ने और तरतील के साथ तिलावत करने की जो हिम्मत इन मुकाबलाजात के ज़रिए हो रही है वो काबिले दीद और लायक़े दाद है। और इस बात पर, इस मौके पर मैं आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद असगर साहब चुलबुल को मुबारकबाद देता हूं और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तकरीबन 5 साल तो हो चुके हैं, ये छठवां साल है, तो 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न क़िरात, नात ख़वानी, हिफ्ज़ अहादीस, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़, कुरान मजीद क्विज़, ऐसे राइटिंग और तकरीरी मुकाबलात का इनेकाद बड़ी कामयाबी और कामरानी से कर रहे हैं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम काविशों को, इन तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए, शर्फ़ कबूलियत से हमकिनार फरमाए और दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन नेमल बदल अजर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए, आमीन। सीरत कमेटी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से ये 6 साल से ये प्रोग्राम जारी है, इस वजह से कि हमारे बच्चों के अंदर दीनी माहौल भी पैदा हो जाए और दीनी मालूमात भी हासिल करें। तो इसलिए खिरात हो, नात हो या सीरत क्विज़ हो, मुख्तलिफ उनवानात पर ये प्रोग्राम रखे गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये पहला दिन है, जो खिरात का ये पहला दिन है,
इस पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह 550 से 600 तलबा और तालिबात जिन्होंने एग्ज़ाम दिया यानी इम्तिहान दिया। अक्सर वो बेशतर देखने में आ रहा है कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे और बच्चियां यहाँ पर जो स्कूलों में पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों के अंदर और बच्चियों के अंदर ये सुधार पैदा हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सही और तजवीद के साथ, किरात के साथ तिलावत कलामुल्लाह को पढ़ रहे हैं। और आज जो किरात का मामला था, जिसके अंदर बहुत सारे वो लड़कियां, वो लड़के थे, तलबा और तालिबात थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 15 सूरतें ज़बानी उन्होंने याद किया और अल्हम्दुलिल्लाह कमा हक़ा उन्होंने उन सूरतों को ज़बानी सुनाया अच्छी तजवीद के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 साल से प्रोग्राम डॉक्टर असगर चुलबुल साहब और हमारे जनाब मोहतरम अलहाज मुश्ताक अहमद साहब इंजीनियर और इनके पूरे रुफाखा और इसी तरीके से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के हम जिम्मेदार लोगों ने इस सिलसिले को जारी और सारी रखा है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी रखे, ना कि सियासी बल्कि मजहबी रहनुमा मेरी मुराद डॉक्टर असगर चुलबुल साहब और उनके ख़ास रफीक दोस्त जनाब अलहाज मोहतरम मुश्ताक अहमद साहब इंजीनियर और अहबाब ने मिल करके इस काम को उठाया और बहुत ने को भी काम को किया जा रहा, इंशाल्लाह किया जाते रहेगा। बहुत ही काबिल मुबारक है, हम पूरे उनके जो है शरीक हैं। बहरहाल उलमा को बुला करके, जोड़ करके, अइम्मा कराम को जोड़ करके मासूम तलबा तालिबात से ये काम हो रहा। जो बच्चे बच्चियाँ, जो तलबा तालिबात इंग्लिश मीडियम, कड़ा मीडियम वगैरह पढ़ते हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी शूर, ये स्पीड डालने के लिए, दीनी रूह फूकने के लिए काम को किया जा रहा। उम्मीद है अल्लाह ताला इस काम को कबूल करे और ना कि बल्कि हमारे शहर गुलबर्गा, बल्कि हम उम्मीद करते हैं तमाम शहरों में कोई जिम्मेदारी से काम ले, अजर मिलेगा, सवाब भी मिलेगा और दीनी शूर भी पैदा होगी।